ठीक है, हम तो ये अपग्रेडेशन कराते रहेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ हमारा चैनल हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवाशीष, मैं कंप्यूटर में सर्विस में काम करता हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तो लैपटॉप के अंदर SSD कैसे अपग्रेड करते हैं। और कस्टमर का जो लैपटॉप है लिनोवो का S340 का मॉडल है, तो कस्टमर का i3 10th generation है जो आपको दिखा रहा हूँ। रुकिए, देखिए आपका लैपटॉप का i3 का 10th generation है, फिर भी कस्टमर को लैपटॉप चलाने के टाइम और फिर नहीं तो बूटिंग होने के टाइम 1 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए कस्टमर चाह रहा है कि नहीं, उसको SSD अपग्रेड करा दीजिए। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि गामास का HP G300। तो ये सब तो अपग्रेडेशन के बारे में आपको बताता रहूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा चैनल कंप्यूटर है, जो हम रोज रोज नए नए वीडियो लाते हैं, जो कि नए नए लैपटॉप के बारे में, गेमिंग लैपटॉप के बारे में और अपग्रेडेशन के बारे में, जो अपना गेमिंग PC भी जो अपग्रेड कराते हैं और नया बिल्ड भी करते हैं, तो इसका वीडियो हम रोज रोज डालते रहते हैं। तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल भी दबा लीजिए, जैसे कि आपको आसानी से हमारा वीडियो नए आने के बाद आपको मिल पाए। तो गामास का S5 256 GB का NVMe SSD है। तो SSD के अंदर 3 वेराइटी रहता है, जो SATA SSD रहता है, M.2 SSD रहता है, NVMe SSD रहता है। तो इसके अंदर NVMe SSD लगेगा। तो इन तीनों SSD में फर्क क्या रहता है? तो जो SATA जो SSD रहता है वो 2.5 inch का होता है, जो कि सब SSD के अंदर सबसे लो स्पीड प्रोवाइड करता है। और उसको ऊपर आता है M.2 SSD आता है, जिसको जो मिड रेंज स्पीड उसका प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छा जो SSD रहता है NVMe का SSD रहता है, तो जिसका जो कि ये है HP G का 256 GB का NVMe SSD है। तो इसमें लेने का फायदा और तो ये है, इसके ऊपर हिंडस्टिक रहता है। तो ऐसे हिंडस्टिक रहने का फायदा ये है, जैसे कि अगर आपका कभी कभी लंबे टाइम तक लैपटॉप चलाते हो तो लैपटॉप गर्म होता है, तो हीटिंग इशू रहता है, तो इसको हीट सिंक क्या हेल्प करेगा, तो उसका हीटिंग इशू वगैरह को मेंटेन रखने के लिए, जिससे कि ज़्यादा हीट ना हो। एक तो चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, सब लोगों का यही एक तो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि SSD और हार्ड डिस्क में अंतर क्या रहता है। कि हार्ड डिस्क तो 1 TB का है, इतना स्टोरेज देता है, और SSD तो इतना कम GB का रहता है, 256 GB का रहता है, फिर भी इतना स्पीड कैसे हो जाता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि SSD जो रहता है इसके अंदर कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं रहते, और हार्ड डिस्क जो रहता है उसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत रहते हैं। जैसे कि आपका देख लीजिए, उसके अंदर एक डिस्क रहता है जिसको प्लाटर बोलते हैं, उसका ऊपर एक हेड लगा रहता है। जैसे कि आपको आप देखे होंगे पुराने जमाने में, जैसे कि जो सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, वहाँ पे एक बड़ा सा डिस्क रहता था, उसका ऊपर एक प्लाटर रहता था। तो वहाँ पे जो प्लाटर के ऊपर जो हेड जब टच होता था तो गाना बजता था, तो उसी टाइप हार्ड डिस्क के अंदर भी रहता है एक प्लाटर रहता है, हेड रहता है। तो जितना जल्दी जितना स्पीड में प्लाटर स्पिन करता है, तो उसी के हिसाब से हार्ड डिस्क का स्पीड भी मेजर होता है। तो SSD के अंदर वो सब मूविंग पार्ट्स नहीं होते, पूरा एकदम माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो चिप में ये फिर एकदम बना है। इसके लिए इसके अंदर जैसे कि हार्ड डिस्क को कंपेयर किया था तो 10 गुना ज़्यादा फास्ट ये रहता है। तो इसीलिए SSD कंपेयर टू हार्ड डिस्क बहुत फास्ट रहता है। यह है आदाता कंपनी का HP G गामिक्स S5 256 GB का NVMe SSD है। कस्टमर के पास लिनोवो का 340 लैपटॉप है, जो कि i3 10th generation में, फिर भी कस्टमर का स्लो हो रहा है, बहुत इश्यूज आ रहा है, जैसे कि उसका स्लो हो रहा है, बूटिंग स्लो हो रहा है, सिस्टम स्लो हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में बहुत दिक्कत दे रहा है। इसलिए कस्टमर जा रहे हैं उसके लैपटॉप के अंदर SSD अपग्रेडेशन कराने के लिए। तो हमने उनको सजेस्ट किया है तो गामास का S5 256 GB NVMe SSD लगाए, जो कि उनका बूटिंग भी फास्ट होगा और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत फास्ट चलेगा। हम अपग्रेडेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे लैपटॉप के अंदर SSD फिटिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा SSD का स्लॉट, जहाँ पर हम अपने NVMe का SSD लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे NVMe का SSD आता है। देखिए ये देखिए, ये SSD का लेने का फायदा ये है, इसके ऊपर हिंडस्टिक है, जैसे कि अगर हम ले
देख लीजिए आपका सिस्टम बहुत हीट हो रहा है, तो आप जैसे कि 64 दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, तो हीट फिर से लेने से क्या फायदा होगा, इसका हीट चेक लेना भी है और इसको बहुत कूल रखने में हेल्प करता है। ध्यान में रखिए, लगाने के बाद सबसे पहले डिस्कनेक्ट कीजिए लैपटॉप की मदरबोर्ड के साथ, जैसे कि लगाने के टाइम कोई दिक्कत ना हो, तो ये आपका बैटरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम अभी निकाल देते हैं, बहुत आराम से देखिए बहुत आसानी से निकल गया। तो अभी तो हमारा सिस्टम लग गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें ओएस डालेंगे। कस्टमर से आता है कि SSD डलवाने तक विंडोज 10 डालें, ठीक है। तब हम विंडोज 10 एक टाइम इसमें डालेंगे। देखिए अभी अपने आप बूट होगा, जैसे कि लिनोवो क्या करता है, EO5 बूट ऑर्डर से बूट करता है, इसके लिए वो अपने आप डिटेट को पेन ड्राइव को डिटेट करेगा और हमको बूट ऑर्डर चेंज करना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे अपने आप बूट ऑर्डर ले रहा है, बूट ले रहा है हमारे डायरेक्ट पेन ड्राइव से। तो अपना विंडोज का अभी फुल विंडो आ गया, हम नेक्स्ट में जाएंगे, इंस्टॉल नाउ में क्लिक करेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशंस, नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पे आएंगे कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली, एडवांस सेटअप में आएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑन अलोकेटेड स्पेस, जैसे कि 338 GB का स्पेस आपको यहाँ मिलेगा, तो उसकी जो आप देख रहे हैं। तो अपना विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो हम वेट करेंगे प्रोसेस खत्म होने तक। तो ये प्रोसेस 1 मिनट तक चलता है, तो इसलिए हम इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहे हैं 100 होने तक, जैसे कि आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म करें। प्रोसेस हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो गया, ऐसी ये फायदा है SSD के अंदर विंडोज लोड करने में। तो अभी हम सेटअप करेंगे, इंडिया पे आएंगे,
एंटर करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट आ गया, इंडिया चूज करेंगे, स्किप करेंगे, देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम बंद कर चुके हैं पूरा लैपटॉप को, अभी आपको ऑन करके दिखाएंगे तो कितना जल्दी आपका लैपटॉप बूट अप लेता है। तो यहाँ पे ऑन हो चुका है, देखिए खत्म, 10 सेकंड के अंदर आपका डेस्कटॉप लोड हो गया। पहले जो हार्ड डिस्क में रहता था कस्टमर का, जैसे कि एक मिनट डेढ़ मिनट तक ऐसा तो चलता रहता था, स्पीड होता रहता था। अभी क्या हुआ, SSD अपग्रेड करने के बाद 10 सेकंड के अंदर अपना सिस्टम रेडी हो गया। तो अभी आप कुछ भी इसको अंदर आपका अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अपना कुछ कुछ ड्राइवर जो इसका है तो इसके अंदर आप डाल के रेडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए वाईफाई का ड्राइवर अभी यहाँ पे दिखा रहा है, आप यहाँ पे कुछ कुछ ड्राइवर यहाँ पे होगा या नहीं होगा आप चेक कर लेते हैं। डिवाइस मैनेजर यहाँ पे सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ड्राइवर यहाँ पे मिसिंग से, ठीक है। अभी हम ड्राइवर वगैरह सब अपडेट करके कस्टमर को दे देंगे। थैंक यू। जैसे कि आप देखें SSD इंस्टॉलेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है, सिस्टम हमारा फास्ट हो चुका है, 10 से 15 सेकंड के अंदर विंडोज बूट हो गया। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको सिखाया सही सिखाया होगा, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो सॉरी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थैंक यू।